बात एग्जाम की हो, जॉब की हो, या दुनिया में किसी भी चीज़ की, हर कोई चाहता है कि हमारे साथ पॉजिटिव हो। हर कोई पॉजिटिव ही सोच रहा होता है, और यार लव फॉर अट्रैक्शन भी तो यही बोल रहा होता है। फिलहाल तो ये चीज़ मैंने जयन सर के बारे में सुनी थी, जब मैंने 2011 का बैच लिया था, डिक्शनरी बैच के नाम से हमारा बैच जाना जाता है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुल टू सोचना शुरू कर दिया पॉजिटिव भाई, पढ़ाई भी करी। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो फेल। आपके साथ भी हुआ है ना ऐसा? कमेंट करो या चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि अगर आपने यही चीज़ फॉलो करी है और फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ। फिर मैं सोचने लग गया कि यार एवरेज 10 घंटे मैंने पढ़ाई करी है, मैंने पॉजिटिव ऑरा भी बना लिया, मोटिवेशनल वीडियोस भी देखी, टिप्स एंड ट्रिक्स भी थोड़ी बहुत फॉलो करी। उस समय में इतनी ज़्यादा यूट्यूब पॉपुलर नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी फेल। तो अब जो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ, वो चीज़ मुझे फिगर आउट करने में 6 अटैम्प्ट लग गए थे। क्या है वो ऐसी चीज़ जो मैंने पॉजिटिव ऑरा भी बना लिया अपने इर्द गिर्द, पॉजिटिव ही सोच रहा था, 10 घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ाई भी कर रहा था, वो क्या थी ऐसी चीज़ जिस केवल एक चीज़ की वजह से मैं फेल हो रहा था, या बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से मैं फेल हो रहा था? वो है आपकी आज में नहीं कल में जाके जीना। अब ये बहुत ही गहरी बात है, वीडियो पे बने रहो और सुनो। अगर इस चीज़ को आपने फॉलो कर लिया तो जो मैंने गलतियाँ करी हैं, या बहुत सारे लोग करते हैं ज़िंदगी में, केवल CA स्टूडेंट ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसी गलतियाँ कर रहे होते हैं और उनको जो है समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो क्या थी वो ऐसी चीज़? वो था डर। डर इस चीज़ का कि सर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, सर अगर मेरे माँ बाप क्या होगा, मैं फेल हो जाऊँगा, 2-3 अटैम्प्ट दे दिए पास नहीं हो पा रहा हूँ, 2-3 अटैम्प्ट दे दिए मैं एग्ज़ाम में गुड़ गोबर करके चला आया, या बहुत सारी चीज़ों का डर। और वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने पॉजिटिव ऑरा या आपने जितनी भी मेहनत करी है सबको ख़राब कर दिया। आप भी ऐसे ही करते हो, आप जब भी पढ़ाई कर रहे होते हो। मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुन, मैंने भी कि मेरे साथ भी हुआ था, मैंने सुना भी है यार, लोग ये सोच रहे होते हैं यार ये कर लो बस पास हो जाए, यार इस तरह से कर लेते हैं पास हो जाएंगे। यार गीता भी तो यही कहती है, मैं ज्ञान नहीं दे रहा भाई, मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा भी बहुत सारी चीज़ें, रुक जाओ। गीता भी तो यही कहती है, कर्मणे अधिकारस्य मा फलेषु कदाचनम, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और भाई चक दे इंडिया देखी है ना आपने, 70 मिनट का वो शाहरुख खान का डायलॉग तो देखा होगा सबने, फेवरेट भी होगा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का, लेकिन मतलब कितनों ने समझा, फ़र्क ये पड़ता है। सर शाहरुख खान भी यही बोल रहा होता है कि भाई आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली, इतने टाइम से मैं आप लोगों को सिखाते आ रहा हूँ, ये 70 मिनट अपनी ज़िंदगी का बेस्ट देना, अपना बेस्ट वर्जन निकालना, तो इसका मतलब ये है कि भाई आज में जियो, आज में, और उसी पल में जियो, और जो जितना अपने अंदर से बेस्ट निकाल सकते हो वो बेस्ट निकालो। अगर रिजल्ट का सोच के कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे, तो आपके दिमाग में जो है रिजल्ट की बात रहेगी कि और आप जो है एफिशिएंसी नहीं ला पाओगे, कितना भी पढ़ाई कर लो। यार एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में आपका 64% याद रहता है पढ़ने के बाद। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोज़ में इस चीज़ की बात करी है, लेकिन अगर आप डर के साथ पढ़ रहे हो तो सर केवल 40% याद होता है 1 हफ्ते बाद, और ये डिक्रीजिंग रेट होता चला जाता है। तो यार एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बस भाई अपना बेस्ट वर्जन लेके आओ, अपना बेस्ट दो। ये सोचोगे कि रिजल्ट में क्या होगा तो सब खत्म हो जाएगा। नवंबर 2013 का अटैम्प्ट था जब मेरे 198 मार्क्स आए थे, मैं फेल हो गया था। और मैंने जब ये फिगर आउट करी, मैंने बीकॉम का एग्ज़ाम भी दिया, बीकॉम में भी मेरे 65% मार्क्स आए थे, और प्लस जब मैंने अपना CA का एग्ज़ाम दिया तो बिलीव मी मेरे कॉस्ट एन FM में 60+ मार्क्स आया था, और टैक्सेशन में आए थे मेरे 60+, कॉस्ट एन FM में 63 आए थे और टैक्सेशन में 64 मार्क्स आए थे मेरे। तो ये चीज़ मुझे समझने में 6 अटैम्प्ट लग गए। आप ऐसी गलती मत करो, डर को छोड़ो, रिजल्ट को छोड़ो, क्या होगा क्या नहीं होगा, यार पहले अपना काम तो पूरा कर लो। जब आपने अभी तक अपना काम नहीं पूरा किया है, रिजल्ट तो यार बाद में चेंज हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है कि भाई ग्रुप 1 की केवल पढ़ाई करके गए थे, तैयारी भी नहीं थी ग्रुप 2 की, वो फिर भी ग्रुप 2 क्लियर करके चले आते हैं, क्योंकि उनको डर ही नहीं होता है कि मैं फेल होऊंगा या पास होऊंगा, वो तो सोच ही नहीं रहे होते। उनको क्या होता है, बस सिचुएशन में क्या होगा यार, मैं वैसे भी पढ़ाई नहीं करके गया हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने मेहनत भी नहीं करी, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, फेल होंगे। मतलब चिल एटीट्यूड के साथ रहो, इतना भी चिल मत होना कि पढ़ाई मत छोड़ देना, पढ़ाई करते रहो और रिजल्ट का सोच के पढ़ाई मत करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आपको यही बताना था कि कैसे आप अपनी ये गलती सुधार सकते हो।